नाज़रीन, तो आज दी ग्रेड में बच्चों का मैंगो डे है। देखते हैं कि दी ग्रेड स्कूल में जो मैंगो पार्टी है बच्चों की, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए हमारे साथ।
नाज़रीन ये थी दी ग्रेट स्कूल की मैंगो पार्टी जो कि आपने देखी। रिस्पेक्टेबल टीचर्स प्रिंसिपल एंड ऑल स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट मैंगो। मैंगो इज किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। मैंगोज कम इन समर सीजन। मैंगो कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मैंगो इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैंगो इज यूज्ड टू विटामिन ए सी एंड डी। मैंगो इज यूज्ड टू मेक पिकली जैम एंड जेली। मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। आई लाइक मैंगो वेरी मच। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फ्रांस कैंडर स्कूल के बाद आपने दी ग्रेट स्कूल की बुनियाद रखी है और बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दिया है। तो सर, आपको ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया आप? तारिक साहब, ऐसे है कि हमारे ना जंग में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल हैं, तो वहाँ बहुत से बच्चे हमारे मोहल्ले के जाते थे। हमारा जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रह जाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फीस वगैरह, और बाकी जो है रेंट वगैरह रिक्शे के वो जा नहीं सकते थे, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। और हमने सोचा कि यहाँ जो है ये बिल्डिंग भी हमारी अपनी है और क्यों ना यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये हमें एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा फील हुआ है और लोगों को भी ये माहौल जो है बहुत पसंद आया है और माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं। सर, ये बताएं कि जब आपने ये फ्रांस कैंडी स्कूल की बुनियाद रखी थी, तब जो आपके पास स्टूडेंट्स आते थे तो वो इस वक्त किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं लेकिन ना, और मुझे नाम तो उनके याद हैं साहब के, तकरीबन शायद कुछ उनमें से मिस भी हो जाएं। उनमें से अभी अभी हाल ही में एक स्टूडेंट था हमारे पास शहर यार, बच्चा अभी अभी भी गया है, ये सिफावडा में गया है और उसमें ना लाइन सुप्रीडेंट लगा। एक हमारा स्टूडेंट था राना नजफ सुहेब, वो आजकल ना बैंक मैनेजर है और आर्मी में बहुत सारे बच्चे गए हैं और पुलिस में गए हैं, बैंकिंग में गए हैं। एक बच्ची हमारी जो है ये गई खवातीन कॉलेज में लेक्चर लगी है, उसका नाम है आयशा साकिब। और एक बच्चा हमारा जो है डिग्री कॉलेज में लेक्चर लगा लड़का अभी अभी। ये स्कूल का तकरीबन 80% जो है बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के आगे अपने बच्चे हैं, उनकी नस्ल है। तो ये बड़ी खुशी होती है कि ये हमारे बच्चों के आगे बच्चे हैं और उनको पढ़ाते हैं, बड़ी अपनाई सी और बड़ी खुशी फील होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सरिसा और इस स्कूल के साथ तकरीबन पिछले 20 सालों का ताल्लुक है। यहाँ गरीब तबका, मजदूर तबका लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं जिनको शौक़ तो है अपने बच्चों को पढ़ाने का इंग्लिश मीडियम का, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अचानक सर और मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ये इरादा किया, फिर उसको हमने पाए तकमील तक हम ले गए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैलेंज है, जितने भी एलीट क्लास स्कूल हैं अच्छे एरियाज में, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का कंपटीशन उनके साथ बेशक करवा लें, हमारा बच्चा कम अज़ कम जो है ना उनसे मार नहीं खाएगा। तारिक भाई, एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा कि ये मेरा पैगाम पेरेंट्स के लिए है कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, जैसा आज का माहौल चल रहा है उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखें, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर कि पेरेंट्स हमारे पास बच्चा दाखिल करवा जाते हैं लेकिन उसके बाद वो हमारे पास दोबारा आने गवारा नहीं करते, ना पूछते हैं। देखिए, हम आपसे फ़ीस लेते हैं और आप इस बात ये बात हमसे पूछें कि हमारा बच्चा स्कूल आ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है कि नहीं, वो कहाँ जा रहा है। तो खुदारा ये आपके बच्चे हैं, इनका ख्याल करें। और दूसरा, जब तक आप बच्चे को अपने घर में एक जो है ना अच्छा माहौल नहीं देंगे, पढ़ाई वाला माहौल नहीं देंगे, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ सकेगा।